हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है और बहुत बच्चों को इस टॉपिक में बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, उनको डेफिनेशन तो याद हो जाती है, डेफिनेशन रट लेते हैं, फार्मूला रट लेते हैं और यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट की वैल्यू रट लेते हैं, लेकिन उसके पीछे की कहानी उनको समझ में नहीं आती। तो आज उसी कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लो, पेटी पैक होके बैठ जाओ और मैं गारंटी देता हूँ कि इस तरह से आपने इससे पहले अभी तक इस टॉपिक के बारे में नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करें अपना प्यारा सा टॉपिक यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, इसके बाद बच्चों ये टॉपिक पढ़ाने के बाद नेक्स्ट वीडियो आएगी सेंटीपीटल फोर्स क्या होता है और सेंटीफ्यूगल फोर्स क्या होता है उसके बारे में। ठीक है, और जो भी टॉपिक लगेगा इंपॉर्टेंट है वो टॉपिक मैं आपके सामने लेकर आता रहूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये लॉ दिया किसने था, तो ये लॉ दिया था सर आइज़ैक न्यूटन ने। इतनी बार आपने सेब गिरने की कहानी सुनी है कि न्यूटन सर के ऊपर सेब गिरा था और उन्होंने फिजिक्स की धज्जियाँ उड़ा डाली, मतलब इतने सारे लॉस दे दिए। ठीक है, ऐसा नहीं है, उसके पीछे की बहुत बड़ी स्टोरी है। उससे पहले बहुत से साइंटिस्ट आए जिन्होंने प्लेनेटरी मोशंस के बारे में बात की। ठीक है, लेकिन न्यूटन ऐसे साइंटिस्ट थे जिनके पास एक प्रॉपर डेटा था। ठीक है, उनके पास एक थ्योरी थी, साथ में फॉर्मूलाज थे, उन्होंने ड्राइव करके बताया कि एक्चुअल में लॉ आया कहाँ से या ये चीज़ एग्जिस्ट करती कैसे। ठीक है, गैलीलियो आए, केपलर आए, फिर बाद में न्यूटन आए। ये नहीं है कि न्यूटन के ऊपर सेब गिर गया और उनके दिमाग में एकदम क्लिक हो गया और उन्होंने फार्मूला दे डाला। नहीं, उससे पहले वो बहुत सारी थीसिस को पढ़ चुके थे। ठीक है, बहुत सारी थ्योरी पे काम कर रहे थे। ठीक है, एट अ मोमेंट वो चीज़ उनके दिमाग में क्लिक हुई। ठीक, थोड़ा आगे बात करते हैं। तो न्यूटन सर ने ये बताया कि यूनिवर्स में कोई भी बॉडी होने दो, हर एक ऑब्जेक्ट एक दूसरे बॉडी को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रही है, मून अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, या हम किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर रहे हैं, वो सेम ऑब्जेक्ट हमें अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब हर चीज़ यूनिवर्स में एक दूसरे को क्या कर रही है, लगातार अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, ये तो बताई न्यूटन सर ने। ये कब बताई, पहले उसका था एक डेरिवेशन, उस डेरिवेशन को भी हम समझेंगे तब आपको थ्योरी समझ में आएगी। ठीक है, तो न्यूटन सर ने सबसे पहले एक एग्जाम्पल से हमको समझाया और वो एग्ज़ाम्पल क्या था। तो न्यूटन सर ने एक हॉरिजॉन्टल स्केल ली, ध्यान से सुनना, ये थी हॉरिजॉन्टल स्केल। इसके ऊपर दो लाइट मासेस के ऑब्जेक्ट रखती है, जिसका मास मैंने मान लिया स्मॉल ए एम ए, इसका मास स्मॉल एम बी। ठीक है, और इस हॉरिजॉन्टल स्केल को एक स्ट्रिंग से बांध दिया। ठीक, और ये जो हॉरिजॉन्टल स्केल था ये कैसा था, फ्रिक्शनलेस सरफेस था। ठीक है, मतलब कोई भी ज़मीन के साथ कांटेक्ट में नहीं था। अब क्या किया, अभी तक तो इनके मासेस में कोई डिस्टरबेंस नहीं था, इनकी पोजीशन में कोई छेड़खानी नहीं थी। इनके पास जैसे ही मैंने लार्ज मास रखा, इन दोनों मास के ऑब्जेक्ट के पास मैंने लार्ज बॉडी रखी, लार्ज मास का, जिसका मास कैपिटल एम ए है और इसका मास कैपिटल एम बी रख दिया, तो जो स्मॉल मास था ये लार्जर मास की तरफ क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। मतलब ये इससे क्या हो गया, स्टिक हो गया। ऐसा क्यों हुआ, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ तो लफड़ा हुआ। ठीक, यहाँ चुम्बक वाला काम किया किसने, भाई ये बॉडी जैसे ही लार्ज मास की बॉडी या लार्ज बॉडी हमने इस स्मॉल बॉडी के पास रखी और ये दोनों कैसे फ्रिक्शनलेस सरफेस के साथ हैं, यहाँ पे एक स्ट्रिंग से क्या है, एक हॉरिजॉन्टल स्केल मैंने लटका दी और इसके पास लार्ज मास का ऑब्जेक्ट रखा, इधर लार्ज मास का रखा, तो जो स्मॉलर मास था वो किधर शिफ्ट हो गया, ग्रेटर मास की तरफ। मतलब यहां पर एक अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट किया, यहां पर क्या हुआ, एक अट्रैक्टिव फोर्स एक्ट हुआ। बड़ी मजेदार चीज लग रही है ना, इसी में थोड़ा और डिटेल से बात करते हैं, अब थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो अच्छे से समझने के लिए कंसीडर कर लो, जैसे मान लो ये हमारी क्या है, अर्थ है, ये क्या है, हमारा मून है। तो अर्थ क्या कर रही है, मून को अट्रैक्ट कर रही है और मून भी अर्थ पे क्या कर रहा है, एक अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है, यही तो हो रहा है। ठीक, इधर मान लो सन है कहीं, ये सन है, सन अर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है, अर्थ मून को अट्रैक्ट कर रहा है और सन मून को भी अट्रैक्ट कर रहा है।
ठीक है, तो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है हर ऑब्जेक्ट पे, ठीक, ये तो न्यूटन सर ने फॉर्मुलेट कर लिया, क्योंकि यहाँ से हमको पता चला जब स्मॉलर मास का ऑब्जेक्ट ग्रेटर मास के ऑब्जेक्ट के कॉन्टैक्ट में आता है तो दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, ठीक है। ज़रूरी नहीं, मतलब सीधा से कह दो ये लाइट बॉडी है, ये हैवीली बॉडी है, जैसे ही लाइट बॉडी के पास हम हैवी बॉडी लाई तो जो लाइट बॉडी का मास है वो किधर शिफ्ट हो गया, हैवी बॉडी की तरफ, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा था। अब वो बात अभी नहीं करेंगे कि सेंटीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंटीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, वो धीमे धीमे हम आगे स्टेप बाय स्टेप चीज़ें क्लियर करते चलेंगे। इतनी बात समझ में आई, मतलब हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को लगातार क्या कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बांधे हुए है, ठीक, आई बात समझ में। एक एग्जांपल से आपको समझाते हैं जो न्यूटन सर ने लिया था, ठीक है। तो न्यूटन सर ने क्या किया, वही चीज़ लेंगे, आपको पता है पुरानी कहानी, ये एप्पल था और यहाँ पे न्यूटन जी आराम से मान लो बैठे हुए हैं, ठीक है, और इनके सिर के ऊपर क्या गिरता है, एप्पल गिरता है, ठीक। अब जो ये एप्पल है, पहले तो इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो एप्पल है वो नीचे आ रहा है, मतलब अर्थ कोई ना कोई एक डाउनवर्ड फोर्स लगा रही है जिसकी वजह से एप्पल नीचे गिर रहा है, यहाँ तक बात समझ में आई। उसके बाद इसी पेड़ से दूर, हम अर्थ भी ये सारी चीज़ें कंसीडर कर रहे हैं ना, एक और दूर पेड़ कंसीडर कर रहे हैं और सेम एप्पल क्या कर रहा है, नीचे गिर रहा है। ऐसे बहुत सारी ऑब्जर्वेशन जब हम करेंगे तो हमको एक चीज़ पता चलेगी कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं ये रेडियली डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, मीन्स ऑल ऑब्जेक्ट्स फॉल्स रेडियली डाउनवर्ड्स, ठीक, इतना तो इन्होंने पता लगा लिया। सेकंड थिंग क्या करेंगे, अब जितने भी ऑब्जेक्ट हैं इस ऑब्जर्वेशन से हमको ये पता चल गया, मतलब इस ऑब्जर्वेशन से न्यूटन ने ये पता लगाया कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो रेडियली डाउनवर्ड एक्ट तो कर रहे हैं लेकिन अलोंग इट्स सेंटर, मीन्स वर्ट अलोंग इट्स सेंटर। समझ में आ गया, क्लियर हो गया, मतलब जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो अर्थ अपनी तरफ खींचेगा। पहले न्यूटन को सिर्फ इतना पता था कि कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ की तरफ आ रहा है, ठीक, लेकिन इस ऑब्जर्वेशन से उन्होंने पता लगाया कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो अर्थ सिर्फ अपनी तरफ खींच नहीं रहा है, मतलब अर्थ अपने सेंटर की तरफ, ठीक है, सेंटर के द्वारा उस ऑब्जेक्ट पे क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट उसके सेंटर की तरफ आ रहा है। समझ में आ गया, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है, इतनी लाइन आपको पता होनी चाहिए। अब बात करते हैं आगे, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद इस कहानी से हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लो ये हमारे पास क्या है, अर्थ है और ये रहा मून, सेम चीज भाई, अर्थ और मून के बीच में क्या है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक, जिसकी वजह से अर्थ अपने सेंटर के अलोंग इस मून को खींचेगा और ये मून क्या करेगा, अपने सेंटर के रिस्पेक्ट में इस अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा। वैसे ही सन होगा, ठीक है, सन क्या करेगा, अपने सेंटर के अलोंग अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा और अर्थ क्या करेगी, अपने सेंटर के रिस्पेक्ट में सन को अपनी तरफ खींचेगी। क्लियर हो गया, अब यहां पर ना समझ में आया तो एक और एग्जाम्पल ले लो, वही चीज, मास है, ये छोटी सी बॉल है और यहाँ बड़ी सी, आप एक ट्रेन कंसीडर कर लो, जितना ये बॉल इस ट्रेन पे फोर्स लगाएगी उतना ही सेम अमाउंट का फोर्स ये ट्रेन इस बॉल पे लगाएगी, मतलब अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बोथ द बॉडीज Both the body will exert equal or identical forces on each other. अब यहां इन दोनों बॉडी पे अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है तो जितना अमाउंट का ये मास और बॉल इस ट्रेन पे फोर्स लगाएगा उतना ही सेम अमाउंट का फोर्स ये ट्रेन इस मास ऑफ बॉल पे लगाएगी। आई बात समझ में, मतलब जिस फोर्स के साथ, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के साथ अर्थ मून को अपनी तरफ खींच रही है उसी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के साथ मून भी अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा। ये न्यूटन ने कंक्लूजन निकाला इस थ्योरी से, यहां तक बात समझ में आ गई। अब
इन सभी चीजों के बीच में न्यूटन को एक कंक्लूजन और पता करना था। वो कंक्लूजन क्या था? तो न्यूटन थे वो फॉर्मूला ड्राइव करना चाहते थे टू प्रिडिक्ट द फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ड्यू टू द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो उसके लिए उन्होंने कंसिडरेशन क्या किया, उन्होंने क्या किया, एक मिनट रुकना बच्चों, सॉरी बच्चों। अच्छा नोट किया यहां तक, इसको नोट किया, स्क्रीनशॉट लो फटाफट, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है? मैं रफ करने वाला हूं इसको। इसके बाद क्या हुआ, देखो इसके बाद कुछ नहीं, न्यूटन ने ये सारी चीजें बता दी। इसके बाद हम सिंपल सा एक ऑब्जर्वेशन देखेंगे, ये क्या है, अर्थ है, ठीक है, और यहां पे है मून। तो मैंने ये बताया अभी आपको कि जितना फोर्स अर्थ मून पर लगाएगी उतना ही सेम मैग्नीट्यूड का फोर्स मून भी अर्थ पे लगाएगा। लेकिन जब अर्थ मून को अपनी तरफ खींच रही होगी तो ये इसको पुल करेगी, क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। तो ये मून है, अर्थ के पास आके क्यों नहीं रहता, ठीक है? ये सर्कुलर मोशन काहे करता है, ठीक है, ऑर्बिट में काहे घूमता है? इसका कारण क्या है, जो सेंट्रीपेटल फोर्स रिक्वायर्ड चाहिए, जो सेंट्रीपेटल फोर्स जरूरी है, देखो सेंट्रीपेटल, हिंदी में समझ लो आराम से, जो सेंट्रीपेटल फोर्स जरूरी है। अब सेंट्रीपेटल फोर्स होगा तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, सर्कुलर मोशन में होगा, ठीक। अब जो मून है, सेंट्रीपेटल फोर्स की जरूरत है, अब सेंट्रीपेटल फोर्स की जरूरत है तो वहां पे ऑब्जेक्ट कैसा घूमेगा, सर्कुलर मोशन में घूमेगा। अब सर्कुलर मोशन में घूमने के लिए जो फोर्स सप्लाई मिल रहा है वो कौन दे रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर से समझो, देखो जो मून है वो अर्थ से टकराता क्यों नहीं है, उसका कारण सीधा सा है कि जो सेंट्रीपेटल फोर्स की जरूरत है सर्कुलर मोशन के लिए, ठीक है, जो सेंट्रीपेटल फोर्स की जरूरत है सर्कुलर मोशन ऑफ अ मून, वो किसके द्वारा सप्लाई किया जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा। समझ में आया, इतना क्लियर हो गया? अब इस टाइम पे बहुत से लोगों को एंगुलर, मैं टर्म लिख रहा हूं बच्चों, एंगुलर स्पीड ऑफ मून पता था लोगों को, ठीक है, डिस्टेंस ऑफ अर्थ टू द मून भी पता था लोगों को, ठीक। अब जरा मैं बात करूं यहां पे, जैसे मैं आपसे पूछूं, तो इतनी सारी चीजें पता होने के बाद न्यूटन ने क्या किया, फोर्स बैलेंस को यूज करके, ठीक, यहां पे सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन पता किया, सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन पता किया, जो कि निकला, कितना निकला, ये निकला 2736 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा रेडियस ऑफ मून आपको पता है क्या, रेडियस ऑफ मून कितना होता है बच्चों, ये होता है 835 × 10⁻³ मीटर, सही है? एक बार मैं जरा चेक कर लूं। ओहो उल्टा हो गया, 385, सॉरी बच्चों गलती हो जाती है, कोई बात नहीं, 385 × 10⁻³ यहां पे 3 है, ठीक है, मीटर। ये सारी चीजें, अब ये दो वैल्यू आप आसानी से देख पा रहे हो, यहां पे देखो ये दो टर्म्स आपको मिल रहे हैं, दिख रहे हैं ना। अब यहां पे हुआ क्या, अब सीन समझो कि अगर मुझे एप्पल का फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकालना है नियर द सरफेस ऑफ अर्थ, तो उसके लिए हमको एक्सेलरेशन की वैल्यू पता होनी चाहिए, मींस एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल कितना होगा भैया, ये होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 9.81 ले लो। इतनी बात समझ में आई, क्लियर हो गया? अब यहां पे एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल हमको पता है, ठीक,
तो यहाँ पे एक कंडीशन बनती है, वो कंडीशन क्या है मैं जरा बोर्ड रब कर दूँ फिर बताता हूँ। इतना नोट किया, मैं रब करने वाला हूँ, ठीक है? आगे देखो, अब यहाँ पे देखो जरा, हमको एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल पता है, कितना है 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है? अगर मैं तुमसे रेडियस ऑफ अर्थ पूछूं वो कितना होगा, वो होगा 6378 इंटू 10^3 मीटर, ठीक? अभी हमने सेंटीपीटल एसेलेशन भी निकाला था, जिसकी वैल्यू कितनी आई थी 0.002763, यही तो था, एक बार चेक कर लूँ, 36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है? और रेडियस ऑफ मून कितना निकला था हमारा, रेडियस ऑफ मून निकला था 385,000 इंटू 10^3 मीटर पर सेकेंड है ना, लाइक डिस्टेंस हमेशा किस में आती है, मीटर में। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हमें चार क्वांटिटी दिख रही हैं, अलग अलग दिख रही हैं, इन चारों क्वांटिटी का रिलेशन क्या है? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो हम दोनों के एक्सेलरेशन को कंपेयर करेंगे, ठीक है, विद द डिस्टेंस ऑफ देयर सेंटर। दोनों के एक्सेलरेशन को हम कंपेयर करेंगे उसके सेंटर के रिस्पेक्ट में, ठीक है? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर से हम क्या करेंगे, दोनों के एक्सेलरेशन को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के लिए क्या करेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ एप्पल हो गया APPLE, है ना, ऐसे लिखो APPLE अपॉन एक्सेलरेशन, सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन, ऐसे लिखो, कितना हो गया 9.81 अपॉन कितना आ गया 0.002736, ठीक? और यहां पे क्या करेंगे, रेडियस ऑफ मून अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ कंपेयर करेंगे, ये कितना आएगा, ये आएगा 385,000 इंटू 10^3 अपॉन 6378 इंटू 10^3, ठीक है? ये मीटर आएगा और ये ऐसा आएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब ये दोनों क्वांटिटी की जो वैल्यू आई, इसकी वैल्यू आएगी 3586 और इसकी आएगी 3643, ठीक है? ये दो रिजल्टेंट वैल्यू आई। अब यहाँ पे न्यूटन ने एक चीज एनालाइज की कि जो दोनों रिजल्टेंट वैल्यू हैं नियरली कैसी हैं, सेम है, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा है इसमें। तो न्यूटन ने यहाँ पे एक कंक्लूजन निकाला, न्यूटन ने कंक्लूजन ये निकाला, जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ सुनो, मैं शायद बताना भूल गया, तो यहाँ पे जो दोनों टर्म लिए हैं हमने, उन दोनों टर्म के स्क्वायर को हम एक दूसरे के रेशियो से डिवाइड कर देंगे, समझ में आया? यहाँ पे दोनों का स्क्वायर करेंगे और फिर क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो मतलब न्यूटन ने कंक्लूजन ये निकाला, जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम या स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, ठीक है? क्लियर हो गया इतना, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे एक चीज और समझने की है, बात समझने की है कि इससे पहले न्यूटन ने एक फॉर्मूला और ड्राइव कर लिया है, जो आपको पता है F=ma, जो किससे आता है, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से।
और न्यूटन ने अभी एक्सीलरेशन की वैल्यू प्रिडिक्ट की है, तो ए बराबर क्या आ जाएगा, एफ अपॉन कितना आएगा एम, यही तो आएगा। अब न्यूटन ने क्या किया, दो रिस्पेक्टिव मासेस का और फोर्स ऑफ ग्रेविटी के बीच का रिलेशन फाइंड आउट किया। तो उन्होंने क्या किया, दो अलग अलग मासेस लिए, ठीक है, सेम हाइट पे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी उनको ड्रॉप किया। तो उन्होंने जो एक्सीलरेशन निकाला वो दोनों का कैसा था, सेम था, मतलब एक्सीलरेशन चेंज नहीं हुआ, जबकि दोनों का मास कैसा था, अलग अलग था। तो यहाँ पे हमको एक चीज़ तो पता चल गई कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली रिलेटिव है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है वो डायरेक्टली रिलेटिव है किससे, मास से। अच्छा, अगर हमको एक्सीलरेशन निकालना है तो फोर्स को किससे डिवाइड कर देंगे, मास से, ठीक है। तो जो मास फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्यों, क्योंकि मास हमने एक ऑब्जेक्ट का कंसिडर किया है, तो मास ऑफ अर्थ को भी तो हम इंक्लूड करेंगे, जिसकी वजह से ये जो टर्म है ये क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे बात करते हैं थोड़ा अच्छे से, जैसे मान लो ये क्या है, अर्थ है, ठीक, और यहाँ पे मान लो ये है, क्या है, मान लो एप्पल है, ठीक है। अब जितना ये एप्पल इस अर्थ पे फोर्स लगा रहा है उतना ही ये अर्थ इस एप्पल पे लगाएगी, मतलब जितना मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स यहाँ से लग रहा है उतना ही मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स यहाँ से लगेगा। अब जो ये अर्थ है इस एप्पल के पास क्यों नहीं मूव कर रही है, कारण क्या है, कारण ये है, अब यहाँ पे जो फोर्स होगा दोनों के बीच का जो फोर्स लग रहा है डिवाइडेड बाई द मास ऑफ अर्थ, ठीक है, ये मास ऑफ अर्थ, जो एक्सीलरेशन की वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, नेग्लिजिबल आएगी, मतलब जीरो आएगी, जिसकी वजह से ये अर्थ की तरफ मूव नहीं करता। मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो जब हमको दोनों के बीच का फोर्स निकालना है तो मास से डिवाइड करेंगे, तो मास ऑफ अर्थ से हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो जो मास ऑफ अर्थ से हम डिवाइड करेंगे इसको, तो जो एक्सीलरेशन की वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी, नेग्लिजिबल आएगी, क्लियर हो गया, जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट इस एप्पल की तरफ क्या नहीं करता है, मूव नहीं करता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। इससे हमको ये पता चलता है कि जो एफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है 1/r² एंड प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ देयर मासेस। अगर हम ये कांस्टेंट का साइन हटाएंगे तो आएगा एफ बराबर जी m1 m2/r², ठीक। अब ये कंडीशन हमको पता चल गई, क्लियर हो गया, मतलब एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट ईच अदर इन द यूनिवर्स, क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। अब ये चीज़ सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इसको एक्सप्रेस कैसे करते हैं, ठीक। अभी थोड़ा एक और अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो कि हम एक फ्रिक्शनलेस सरफेस कंसीडर कर रहे हैं, उसमें क्या है, दो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, ठीक। इसको मैं रैप कर दूं जरा, देखो एक फ्रिक्शनलेस सरफेस ले रहे हैं, ठीक, इधर दो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, एक का मास एम ए, एक का मास एम बी। जैसी बात है ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो ये दोनों बॉडी एक दूसरे की तरफ मूव करेंगी, क्योंकि ये इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, ये इस पर फोर्स अप्लाई करेगा, जिसकी वजह से एक टाइम के बाद ये दोनों बॉडी आपस में क्या हो जाएंगी, टकरा जाएंगी, क्लियर हो गया। ये तो चीज़ आपको समझ में आ रही है। तो ये वाली कंडीशन हम हाइपोथेटिकल कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत। अब कंडीशन समझो ऐसे कि जो न्यूटन ने ये कंडीशन निकाली, ठीक है, उन्होंने जो फॉर्मूला निकाला एफ बराबर जी m1 m2/r², इस टाइम पे न्यूटन ने जी की वैल्यू प्रिडिक्ट नहीं की थी, ठीक है। कई सालों बाद एक साइंटिस्ट आई जिनका नाम था हेनरी कैवेंडिश, ठीक है, स्पेलिंग चेक कर लेना, मुझे क्लियर नहीं याद है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कैपिटल जी की वैल्यू फाइंड आउट की, जो कि होती है 6.67 × 10⁻¹⁻ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है, यही तो वैल्यू थी। अच्छा, इनको निकाला कैसे, इन्होंने एक्सपेरिमेंट वही किया जो न्यूटन ने किया था, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन चेंज कर दी, इन्होंने सेटअप वही रखा, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल स्केल ली, ठीक है, यहाँ पे एक मास रखा, यहाँ पे एक मास रखा, और यहाँ से एक स्ट्रिंग अटैच कर दी, ठीक। अब यहाँ पे कंडीशन क्या किया, यहाँ पे इन्होंने वैलेंस फोर्स को इम्प्लीमेंट किया, कारण कैसे था, देखो ये कैसे सरफेस था, फ्रिक्शनलेस, ठीक, तो इन्होंने क्या किया, एक ग्रेटर फोर्स ग्रेटर मास का ऑब्जेक्ट इस स्मॉल एम ए के पास रख दिया, कैपिटल एम ए, इस स्मॉल मास एम बी के पास रख दिया, कैपिटल मास एम बी। तो जाहिर सी बात है ये इसकी ग्रेटर मास की तरफ शिफ्ट हुआ,
ये ग्रेटर मास की तरफ शिफ्ट हुआ, मतलब ये इधर शिफ्ट हुआ, ये इधर शिफ्ट हुआ। कंडीशन इस बार इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस बार कंडीशन जो ली, इन्होंने क्या किया, ली केविंडिस ने ऐसा सेटअप तैयार किया जो बैलेंस फोर्स शो करे बिटवीन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड द टॉर्शन फोर्स सेटअप बाय द स्ट्रिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो इन्होंने ट्विस्टेड एंगल निकाला, ठीक, वो क्या कर रहा था, इतना टॉर्शन फोर्स स्ट्रिंग लगा रहा था उतना ही टॉर्शन फोर्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी के द्वारा लगाया जा रहा था, जो कैसा था, आपस में बैलेंस था, समझ में आ गया। जिसकी वजह से इन्होंने जो वैल्यू प्रिडिक्ट की वो कितनी थी, 6.67 न्यूटन पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। आई बात समझ में?